सास में मेरी जहां भाग गई होगी, ना खाना बनाने का है ना कुछ बता मन के। बस फिर खायो खोयो ना मम्मी की करो तो काठी दिन चांद तो ले गुद्ध चढ़ा रहा है वो। गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिस गोस्वामी एंड मैं पिंका गोस्वामी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और कल मैंने पहले दिन ब्लॉगिंग करी थी, आई मीन डेली वाली, मुझे कल कसम से इतनी थकान लग गई ना। और सुबह मेरी सासू माँ भी ब्लॉग देख रही थी ना, बोल रही थी मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मुझे लगा ना कि मुझे फिर से थकान हो जाएगी मैं अगर ऐसे देखती रही तो, मतलब सुनती रही तो। वो बोल रही थी कि यार बाप रे पिंकू, कल तेरे लिए बहुत काम हुआ ना, ब्लॉग बनाना, फिर ऊपर से उसको एडिट करना, फिर खाना बनाना, भाई बहुत मुश्किल होता है। मैं तो वो हीनू ब्लॉगर लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ ना, मतलब वही लोग अधिकतर ऐसे वो वाला ब्लॉग बनाते हैं, जैसे जो भी काम करते हैं वो डिट्टो दिखाते, डिट्टो। हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं दिखाते क्योंकि कहाँ कैमरा रखो, उनके यहाँ तो पकड़ने वाले भी थे, हमारे यहाँ तो भाई कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो जितना कैप्चर कर सकते हैं तो खुद ही कैप्चर करती हूँ मैं। कभी कभार मेरे देवर लोग या सासू घर होती है वो पकड़ देती है फ़ोन, या पति देव घर होते हैं तो वो। हाँ तो बहुत मुश्किल था कल का दिन, आज बहुत ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए। तो आज दूसरा दिन है, अब से मैंने सोच रखा है कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँगी। ब्लॉगिंग के जरिए एक चीज़ तो बढ़िया हो रही है यार, फ़ोन पकड़ना आ रहा है ढंग से, मैं इतना अच्छे से फ़ोन नहीं पकड़ पाती हूँ, बैक कैमरे से ब्लॉग्स बना रही हूँ। और सुबह उठ के हाथ मुंह धो के लिपस्टिक लगा के बिंदी लगा के ठीक ठाक हो जा रही हूँ, और दिन बाल हाल कुछ नहीं बनाती थी, ऐसी रहती थी पागलों की तरह। जब कहीं जाऊँगी या मेरा व्रत होता है जिस दिन, उस दिन थोड़ी ठीक बनी रहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ इंजॉय करोगे, और आज का मौसम भी कल ही का जैसा है डिट्टो, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कल दिखाया था। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ मौसम। देखो गाइस मौसम बारिश हो ही रही है, ये बूंदा बांदी दिख रही होंगी, पानी में ही दिखती है बूंदे, ये देखो भयंकर मौसम हुआ है, भयंकर, कहीं से खुलने का नाम ही नहीं है, काला कलूटा मौसम। अब हमारे कुछ टाइम में इसमें संतरे और इसमें पता नहीं क्या, नहीं उसमें माल्टा, इसमें संतरा होने वाले हैं। तो चलते हैं अब अंदर अंदर। और पता है मैंने ना कुछ काम नहीं कर रखा है, सच बोलूँ कुछ भी नहीं कर रखा है, ना झाड़ू ना पोछा कुछ नहीं आज। बस अब करती हूँ, और उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना होगा। सासू माँ चली गई हैं घास काटने के लिए, तो मिलती हूँ आपको फिर। हेलो, वो कचरा खाली कर दो। चल दो, अब तो इसमें आ ही जाएगा। भाभी वैसे नहीं होगा, की नहीं कहने नहीं के बच्चे ऐसी आई है डेग मांगने का है। इस रुको, किचन तो हो गई साफ, ये झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छी लगी है अपने आप को, पता नहीं तुम्हें कोई दुश्मनाई है क्या? अरे यार अच्छी लगी, अच्छी लगी राजमा। गाइस लग गया झाड़ू पूरे घर का,
गीली हो रही है दरी, काटने वाले थे नहीं तो दब रहा था ना, मतलब वहाँ पाइपलाइन सही कर रहे थे कि घास हुआ था मेरा, उसको काटने के लिए बोला। हमारे खेत में है पाइपलाइन क्या? हाँ। आज खाना क्या पकाएंगे? मैंने कहा राजमा भिजा एक ही सभी में मांस मांस के। क्या बोल रहे पता है, कल की जैसी दाल तो मत ही पका, बड़ी दाल का मेरी मेहनत नहीं देखी इन्होंने, थोड़ी खाखोरी मुंडा कोरी कुंडी भाई ना एक आदमी उतनी मेहनत कर रहे, बड़ी दाल मिले बिना खाने का टाइम था, करे वो तो बाती हो गया काम। रईसा सूरी आ गई है घास काट के, अब कुछ और काम होगा तो फिर करते हैं, थोड़ी देर करती हूँ आराम, और आराम क्या करती हूँ वो साबुन दे के आती हूँ नीचे, साबुन इधर है ओ बेटा, ये वाला बर्तन धोने के लिए, और बर्तन भी धोने हैं ना। तो गैस थोड़ी देर आराम करने के बाद अब खाते हैं मैंगो, कुछ कुछ ख़राब भी है ना, कल लाए थे माही इनको, तो सासू भी आ गई हैं, काटती हूँ और माही के लिए बचा दूंगी। मजा आएगा, पूरा खराब हो गया ये वाला, ये थैंक यू माही। मुझे आम पपीता और अनानास बहुत अच्छा लगता है, जो सबसे फेवरेट है वो है आम। एक और खा लेती हूँ, अच्छा हुआ है। सड़ा हुआ ना खा जाऊं कहीं। तीन पकड़ लिए बस, मेरी लास्ट है, अब नहीं खाऊंगी बेटा। कितना मस्त है ये वाला, देखो ना गाइस, पेट तो भर ही नहीं रहा है। एक और खाती, मतलब एक आम मैं ही खा गई पूरा, मेरी सासू मुझे मार ना डाले, मुझे कुछ नहीं कहेगी खाने में। टन टन, इस खाना बनाने का टाइम से भी ऊपर हो गया है टाइम, सास में मेरी जहाँ भाग गई होगी, ना खाना बनाने का है ना कुछ, बता के गई है, पता नहीं कहाँ गई है। कभी बोल रही थी काली वाली दाल बनाएंगे, वो मतलब कोई दाल बनाएंगे तो उसमें कल का वो राजमा बचा भिगाया हुआ वो डालूंगी, कभी कह रही खिचड़ी बनाऊंगी, अब फोन करा फोन भी नहीं उठा रही, अब मैं खिचड़ी बना रही हूँ, आलू की खिचड़ी बनाती हूँ गाइस।
बन गया, मतलब कॉल दिया है बस। और ऊपर से मैंने उसमें पता है क्या डाला है? घी। मैं घी नहीं खाती ना, थाली में डला हुआ ऐसे पका के खाती, जैसा भी बनेगा जल्दीबाजी में बनाया है क्योंकि 1 बजने वाला है ना। और लाइट चली गई, लाइट भी चली गई तो 1 बजने वाला है, इसीलिए इंतजार करते हैं हम पकने का। सीटी लग रही है, जैसे ही मैं सीटी चेक करके आ रही थी, हाँ मेरे ससुर जी आ गए। अच्छा मैंने उनके लिए भी पका रखा था, वैसे वो मार्केट गए थे ना, कभी नहीं आते खाने के लिए, आज देखो कितना बढ़िया हुआ। तभी आपने एक डायलॉग सुना होगा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो अब वो भी खाएंगे, बस अब बनने वाला है। ठीक टाइम में मैंने चढ़ाया, और पता है आपको कितना बजने वाला है? देखती हूँ टाइम में, 1:30 बजने वाला है, 1:26 हो रहा है, तो पकने वाला है। गाइस अभी मेरा फोन का कैमरा खराब हो गया था, मैंने निकाल दिया डर के मारे, बाप रे मुझे रोना आ गया था बहुत। तो गाइस मेरा खाना बन चुका है, घर वालों को पता ही नहीं चलता कब मैं ब्लॉग बनाती हूँ कब क्या करती हूँ। तो गाइस अब मैं अपने खाने के लिए सलाद काटती हूँ। देखो घर वाले भी बोलने लग गए कि घर में रोज की क्या व्लॉग बनाना, मुझे सीखने नहीं देना चाहते हैं ये लोग। हेलो बाहर डालने वाली बच्ची का इसी से डाल दो, अबे खिचड़ी तो है। आप बोलो कल दिखाया था कहाँ? कल दूसरे का खेत में दिखा, वहीं जोंक भी लग गई फिर मुझे। सुना आपने पीछे से आवाज आई? ये बेमानती है गाइस, मैंने बोला था खाना बनाने से मैं भाग गई, बता के नहीं गई मुझे कि ये बनाना पिंकू बहु रानी ना आलू। गाइस मेरा खाना रेडी हो गया, मेरी सास आ गई है। हेलो गाइस कर लो। हेलो गाइस, खाते समय चाय पीना पड़ा है, मेरे को खाना ही नहीं दी। अभी आई है गाइस, मैंने बताया था ना खाना बनाने के लिए बता के जाती है, बता के नहीं गई हूँ। और पापा वाली बात बताओ, गाड़ी आई वहाँ पे खड़ी थी मैं, गाय को देख रही थी, जैसे ही मेरे पति आए चौंक गई, मैंने कहा वो मेरे पति की जैसे कमीज वाला फोन आया, देखा तो सच में मेरे पति भागी पीछे पीछे, तुमको क्या कर रही तब तक होता, अच्छा था खाना बना रखा था इसने। बेटा एक सांस में बोल देती है, बिग बॉस में जा सकती है। धन्यवाद खाने के लिए, तो मैं ही सबसे पहले खाती हूँ। तो सो के उठ गई हूँ, मैं जिस समय सो रही थी उससे पहले नेहा आई थी, उसके बाल बनाए, फिर जाके सोए मैं। जब हम जाने लगे हैं घूमने, सभी जा रहे हैं, देखो ये हेलो गाइस बोला करो ना, कल की वीडियो में मिले थे हम नाशपाती में। हाँ अब जा रहे हैं, अब झूले में चले हैं, अब जा रहे हैं वो टी गार्डन तक घूमने ना। गुन्नू ने दिया सलाह मुझे, टी गार्डन घूमने जा रहे हैं। सच्ची 5 मिनट भी नहीं लगे हमें यहाँ आने में ना गुन्नू, नजदीक ही तो है घर से, वो ऊपर लोग घूम रहे हैं। गाइस देखो झूले भी लगने वाले हैं कुछ दिनों में, बिना झूले लगे मजे कर रहे हैं बच्चे यहाँ। देखो गाइस कसरत, और बॉडी कौन सी बना रही हो? रुक जाओ एक मिनट, बॉडी कौन सी बना रही गाइस? हालत देखो पूरी हड्डियां दिख रही है, लेकिन सिक्स पैक बना रही है। बाबरे बाबरे बाबरे, ओ बेटा ओ बेटा, वो देखो झूले। गाइस घूमना उमना हो गया पूरा हमारा। हेलो, अरे सभी लोग आ गए हैं, अब घर को जाने लगे। हम वहां से आए थे ना, अपने घर के रास्ते से आए थे, और दूसरे रास्ते
दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वो है टैंकर जो गुन्नू बोल रही है। ये दीप्पी ना गाना गा रहे हैं एक हमारे लिए, गाओ। चाँद को खोल देगी, मात को खोल देगी, तुझको नसीब वाला कहाँ गया वो खेत मांगने वाला। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बच्चों ने ना एकदम जज्बात बदल दिए। बड़ा बच्चा तो क्या कह रहा है पता है, आप हो कौन बल। ये थैंक यू बेटा, मेरे पास इतने सारे हो गए, ये सबको देना है, ये लो उठा लो। थैंक यू, अरे भैया थैंक यू। ओए गिर गया, उठाओ इसकी टहनियां दिखाओ। गाइस देखो ये आप सभी के लिए, ठीक है, इसमें से एक एक आप लोग खा लेना। लाइट चली गई है, घर आ गई हूँ मैं, पानी वगैरह पी लिया है। काटते हैं सब्जी, सब्जी कद्दू की काटूंगी, फिर बनाते हैं सब्जी वगैरह। रात हो गई, आई भाई आ गए, जो मैं साफ काटूं कौन छड़ गया, सब दिन काट गया आज। मां तो मेरी फराई कर रही है, पूरे कुछ में जो मैं देखो का मन भर फिर खायो, कोई न मन नहीं की करो, फिर तो भिन्न मान चाहे ना तब। तुमने मेरी बुराई नहीं करनी थी, वो समझ गए। सही ना है, तेरा दिमाग से खराब है। अल्लाह हंसी तो ना हंस पाए सही भीतर हेर ये साल तो काटी दिन चाहे तो इले बुद्ध चढ़ा रहा है वो मजा ना करनी हो तू काम कर कुने ही ना भी था हन्ने उत्ता नहीं हन्ने यो ना हंता भीतर बड़ी बोलते आज मेरा दिन में ना मिठाई खाने का मन था, ये वाली। कमेंट करके बताना इस मिठाई का क्या नाम होता है, ठीक है, मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तुमने ले लिया? गाइस सब्जी कॉल दी है, काम खाना बन गया है। काय की सब्जी बनाई थी मैंने, कद्दू और दही की रोटी, सर खा रहे हैं और सब्जी ठीक हुई है, बहुत बढ़िया। गाइस खाना पीना हो गया है, अब सो जाते हैं। पिछले वो कल वाले व्लॉग में ना ये नंगू दिख रहे थे ना, तो इन्होंने आज मुही देख लिया। नंगू नहीं दिख रहे, अच्छे दिख रहे, दिखाओ तो अब व्लॉग को कर लेते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं को व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, खप्पू ऐसे होते हैं, खप्पू देख लो।